यूपी के शाहजहांपुर जिले से दिल को दुखाने वाली खबर सामने आई, जहां थाने के सरकारी क्वार्टर जिले में एक दरोगा ने अपने सरकारी घर पर फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि थाना परौर में तैनात 35 साल के उप निरीक्षक वरुण कुमार ने गुरुवार की रात थाना परिसर में बने अपने सरकारी आवास में पंखे से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। दरोगा शामली के रहने वाले थे। उन्होंने आगे बताया कि शुक्रवार सुबह जब वह ड्यूटी पर नहीं आए, तब सहकर्मियों ने उनके आवास पर जाकर देखा, इसके बाद ही घटना का पता चला। उन्होंने बताया कि वरुण की शादी नहीं हुई थी, वे शामली के रहने वाले थे और मृतक आश्रित कोटे में 2021 में पुलिस सेवा में आए थे। जानकारी के अनुसार दरोगा वरुण ने आत्महत्या से पहले महिला सिपाही को वीडियो कॉल किया था, इसके बाद वीडियो लाइव कर फांसी लगा ली। उनका महिला सिपाही के साथ प्रेम संबंध था। कुछ दिनों पहले दोनों का विवाद हुआ था, इसके बाद से वरुण डिप्रेशन में थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने महिला सिपाही को वीडियो कॉल की और फिर फांसी लगा ली। PPN न्यूज से सुरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।